नमस्ते, सिंपली कुक में आपका स्वागत है। आज एक और रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने आई हूँ, जिसका नाम है लोटे माछे चॉप। इसे लोटे माछ को कई जगहों पे बॉम्बे डक फिश भी कहा जाता है। तो इस फिश को मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं, और इसका बीच बीच से मैंने कट करके उसका काटा जो होता है वो मैंने निकाल लिया है यहाँ पर। ये काटा निकालना बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, इजी होता है। इसके बीच से आप चीरा लगा के, धीरे धीरे करके चीरा लगाते हुए बीच का काटा आप इसको इजीली निकाल सकते हैं। अब चलिए इसे हम मैरिनेट करेंगे कुछ मसालों के साथ। यहाँ पर मैंने 5 टुकड़े लिए हैं बॉम्बे फिश के, और मैंने 1/2 टीस्पून यहाँ पर जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून यहाँ पर मैंने गरम मसाला पाउडर, और नमक बहुत ही कम थोड़ा सा हम इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि हम जो बैटर बनाएंगे उसमें भी हमें सॉल्ट यूज़ करना है। और बस थोड़ी सी ही कुटी हुई लहसुन, और यहाँ पर चॉप किया हुआ हरा मिर्च हमको ऐड करना है। आप चाहे तो लाल मिर्च का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हरे मिर्च का जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है यहाँ पर, इसलिए मैं हरे मिर्च का इस्तेमाल करूँगी। अब हम इसको थोड़ा सा मैरिनेट करके इसे जस्ट 5 मिनट के लिए रखना, ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने इसमें नमक ऐड किया है तो पानी छोड़ने लगेगा, इसलिए हम इसको थोड़ा सा 5 मिनट के लिए रेस्ट करने देते हैं। तब तक हम इसमें इसके लिए एक बैटर तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर हमने बेसन को, मैंने घर पे ही मैंने बेसन बनाया है, तो इसमें पहले से ही हींग, लाल मिर्च का पाउडर, काली मिर्च का पाउडर और नमक, ये चारों चीज़ ऐड किए हुए हैं। अगर आप घर पे नहीं बना सकते हो बेसन, तो आप दुकान से प्लेन बेसन खरीद के लाके इसमें हींग, फिर लाल मिर्च का पाउडर, काली मिर्च का पाउडर और नमक इसमें मिक्स करके आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छी होती है ये बेसन खाने में, और बहुत ही टेस्टी भी होता है ये। अब मैं यहाँ पर बेसन लूंगी, बहुत ज़्यादा मैंने यहाँ पर चॉप नहीं बना रही हूँ, बस पांच पीसेस में बना रही हूँ, उसी हिसाब से मैं आपको दिखा रही हूँ। मैंने यहाँ पर 3 से 4 टेबल स्पून बेसन लिया है, और यहाँ पर मैंने सोडा पानी का इस्तेमाल किया है। सोडा पानी से क्या होता है, ये जो चॉप आप बनाते हो ना, बहुत ही क्रिस्पी होता है, और बहुत लंबे समय के लिए ये क्रिस्पी ही रहता है। ठंडा होने के बाद ये नरम, सॉफ्ट नहीं हो जाता, ये क्रिस्पी ही रहेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर सोडा पानी का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर 1/2 कप से भी कम मैंने यहाँ पर सोडा वाटर यूज किया है। अब मैं सोडा वाटर के साथ इसे मिक्स कर रही हूँ, लेकिन अभी भी हमें और थोड़ा सा पानी ऐड करना है। अब हमको सोडा वाटर ऐड नहीं, थोड़ा सा पानी भी हम इसमें ऐड करेंगे, जिससे कि ये जो बैटर है थोड़ा सा और पतला हो सके, ये अभी बहुत गाढ़ा है। तो मैंने यहाँ पर पानी इस्तेमाल किया है, और इसकी कंटेंसी मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरीके से होगा, ना ही बहुत ज़्यादा मोटा होगा और ना ही बहुत ज़्यादा पतला होगा, सिर्फ इसी तरीके से हम इसका बैटर बना लेंगे। अब मैंने एक कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल किया है, अगर आप ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। यहाँ पर मैंने रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल किया है, मैं इसे डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ, मैं इसे शैलो फ्राई करूंगी, डीप फ्राई नहीं करूंगी। जस्ट ऐसे ही फिश को जो मैरिनेट किया हुआ था वो मैं इसमें डिप करूंगी बेसन में, अच्छे तरीके से दोनों तरफ से कोटिंग के बाद मैं इसे कढ़ाई में दे दूंगी। ये जो रेसिपी है ये बहुत ही टेस्टी होती है, आप इसे चाय के साथ, स्नैक्स में या सुबह कभी भी आप इसे खा सकते हो, ये बहुत ही यमी होती है। एक बार फ्रेंड्स ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, ये सच में रियली में बहुत टेस्टी होता है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। और एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे वीडियोस को अगर मेरे ये रेसिपीज को पढ़ना चाहते हो, तो मेरा एक वेबसाइट है, वहाँ पर जाके आप इसे पढ़ भी सकते हो, वहाँ पर भी डिटेल्स में पूरा लिखा होता है। तो मैं इस वीडियो के जो नीचे है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैं इसका लिंक ज़रूर दूंगी, तो वहाँ पर जाके आप चेक कर सकते हो। देखिए इस तरीके से हम इसमें सारे देके इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे, बहुत ही लो फ्लेम में, हमें थोड़ा टाइम देके फ्राई करना होता है, क्योंकि फिश जो है इसमें कच्चा होता है, तो अगर हम इसको टाइम देके नहीं फ्राई करेंगे तो फिश जो है वो कच्चा ही रह जाएगा अंदर, इसलिए बहुत ही धीरे धीरे हमको फ्राई करना होता है। देखिए एक तरफ से फ्राई हो चुका है, अब मैं इसे दूसरी तरफ
दे रही हूँ, जिससे कि दूसरी तरफ से भी ये अच्छे तरीके से फ्राई हो सके। बहुत ही लो फ्लेम में हम इसको फ्राई करना है, ये आपको याद रखना है कि बहुत ही लो फ्लेम में हम इसको टाइम देते हुए इसे फ्राई करना है। अब हम दोनों तरफ से देखिए, ये दोनों तरफ से बिल्कुल रेडी हो चुका है। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही यमी टेस्ट वाला ये लोटे माछे चॉप जो है वो बिल्कुल रेडी है। आज का ये वीडियो बस यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो लेके मैं बहुत जल्द फिर आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्ते।